Welcome to Ganesh Institute. I am Divya Gautam and today's topic is, आज का टॉपिक है क्राइटेरिया. क्राइटेरिया फॉर लीनियरली डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेक्टर्स. सो इफ हियर इट गोज, इफ rank of matrix A is equal to number of given vectors or determinant A is not equals to 0, then vectors are said to be linearly independent. Linearly independent. Okay, या तो rank of A equal हो जाए number of vectors, या फिर determinant A is not equal to 0. ए का डिटर्मिनेंट जीरो के इक्वल ना हो, तब उस वेक्टर, उन वेक्टर्स को क्या बोलेंगे? उन वेक्टर्स को बोलेंगे लीनियरली इंडिपेंडेंट. ओके, सो लेट अस टेक एन एग्जांपल. कंसीडर करते हैं, कंसीडर द वेक्टर्स. हमने क्या क्या वेक्टर माने हैं? एक्स वन माना है, 1, 2 एंड 2. X2 माना है हमने, 2, 1 एंड 2. एंड X3 माना है हमने, 2, 2 एंड 1. सो द फर्स्ट स्टेप इज, सबसे पहले हमें, पहला स्टेप क्या है हमारा? सेट द वेक्टर्स टू अ मैट्रिक्स. एक मैट्रिक्स के फॉर्म में इन वेक्टर्स को हमें क्या करना है? सबसे पहले लिखना है, या तो रो की फॉर्म में या फिर कॉलम की फॉर्म में, रॉड और कॉलम ऑर्डर. सेकेंड स्टेप क्या होगा? सेकेंड स्टेप है हमारा फाइंड आउट करना, निकालना डिटर्मिनेंट को. ओके, लाइक दिस. ए डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा? अभी ऊपर हमने वेक्टर्स लिखे थे 1, 2, 2. सबसे पहले लिखेंगे हम 1, 2, 2, देन 2, 1, 2, 2, 1, 2, एंड देन 2, 2, 1, 2, 2 एंड 1. और अगर हम डिटर्मिनेंट फॉर्म करेंगे इसका, तो हमें मिलेगा 1, 1 एज इट इज, देन प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर, यानी 1 into 1, 1. फिर माइनस का साइन आएगा, 2 into 2 कितना हो जाएगा? 4. फिर 2 के आगे नेक्स्ट स्टेप में क्या माइनस का साइन लगता है? -2. इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, 2 1s are 2, माइनस 2 into 2, 4. ओके, सो हियर वी कैन राइट डाउन 4, क्लोज द ब्रैकेट. देन ये 2 लिखेंगे हम, +2. फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? इन दोनों को प्रोडक्ट कर देंगे, 2 into 2, 4, -2. ओके, सो सॉल्व करके हमारी वैल्यू जो आएगी वो हो जाएगी 5. आप निकाल के देख लीजिएगा. सो ए डिटर्मिनेंट जो भी है हमारा,
वो जीरो के इक्वल नहीं, यहां से हमें पता चलता है। ओके, सो द वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। लीनियरली इंडिपेंडेंट क्यों हुए समझ में आ गया? ए डिटर्मिनेंट हमारा जीरो के इक्वल नहीं है, इसलिए ये वेक्टर्स क्या हो गए? लीनियरली इंडिपेंडेंट। ओके, नेक्स्ट थिंग और आपको पता होनी चाहिए, इफ रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए लेस देन हो जाए नंबर ऑफ गिवन वेक्टर्स से, जो जितने वेक्टर्स गिवन है उससे कम हो जाए क्या रैंक ऑफ मैट्रिक्स से, ओके, तब भी हम क्या कहेंगे? आर सेट टू बी लीनियरली डिपेंडेंट। अगर हमारी रैंक जो है रैंक ऑफ मैट्रिक्स से वो कम हो जाए, लेस देन हो जाए नंबर ऑफ गिवन वेक्टर्स से, तब हम इस चीज को लीनियरली डिपेंडेंट बोलेंगे, यानी वो वेक्टर कैसा होगा? लीनियरली डिपेंडेंट। सो अगेन कंसीडर करते हैं, कंसीडर द वेक्टर, वेक्टर्स की फॉर्म ले लेते हैं हम, इस बार लेते हैं 1, 3, -2, 2, -1, 4 एंड 1, -11 एंड 14। ओके, सो सबसे पहले क्या करते हैं हम डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखते हैं, लिख देंगे डिटर्मिनेंट फॉर्म में, क्या वैल्यू हो जाएगी? 1, 3, -2, 2, -1, 4, 1, -11, 14 इक्वल्स टू होगा 0। सॉल्व किया हमने, सॉल्व करके पता चला इसकी वैल्यू 0 है। कैसे सॉल्व करते हैं एक बार वो भी देख लीजिए, 1 as it is देन -14, इन दोनों की मल्टीप्लाई की तब -14 आया, माइनस फिर माइनस का साइन है तो प्लस हो जाएगा, 11, 4 are 44 देन -3, इन दोनों का प्रोडक्ट किया 28 एंड -4, -2 into -11 and 2 का प्रोडक्ट करेंगे -22, 1 - 1 का प्रोडक्ट करेंगे विद माइनस साइन के साथ तो प्लस हो जाएगा +1। ओके, इसे हम कैसे लिख सकते हैं? इसे लिख सकते हैं हम 30 - 3 into 24 + 42। ओके, पहले एडिशन कर देंगे, 72 - 72 = 0, क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट 0 आ रहा है, सो द वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, नाउ चेक करते हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट को लीनियरली विद रैंक, रैंक की फॉर्म में। सबसे पहले आपको रैंक पता होना चाहिए, रैंक होता क्या है? रैंक होता है नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन रो इशिलन, अभी मैं आपको समझाऊंगी इसके बारे में, इशिलन फॉर्म जब ये इक्वल हो जाए नंबर ऑफ नॉन जीरो कॉलम
इन कॉलन कॉलम इशलन फॉर्म. गॉट इट? इसको अभी मैं एक्सप्लेन करती हूँ. पहले आप एग्जांपल देख लीजिए. हम एग्जांपल ले रहे हैं. लेट डिटर्मिनेंट 1 3 -2 2 -1 4 1 -11 14. ये हमारी एक मैट्रिक्स है. अब हम रिडक्शन करेंगे इन्हें रिड्यूस फॉर्म में लिखेंगे. कैसे लिख सकते हैं हम रिड्यूस फॉर्म में? अगर हम आर टू टेंस टू कर दें, आर टू माइनस टू आर वन, तो हमारे यहाँ पर जीरो वैल्यू मिल जाएगी. ओके, एंड आर थ्री कर दें हम, R3 -2R1. सो लेट्स डू इट. वन R2 -2R1 गिव्स यू जीरो, यहां से जीरो मिलेगा. एंड R3 -2R1 यहां से भी जीरो मिलेगा. ओके, 3 -2 एज इट इज रहेगा यहां पर. देन दोबारा R2 -2R1 किया -1 -3 2 6 विच गिव्स यू क्या मिलता है इसे? -7. एंड -11 -2R1 इससे आपको क्या मिलेगा? -14. सिमिलरली यहां पर आपको 8 मिल जाएगा एंड यहां 16. अब हम रिडक्शन एक बार और R3 में कर दें. R3 tends to R3 -2R2. तो आप नोटिस करेंगे ये चीज, 1 0 0 3 -7 0 -2 8 0. थर्ड रो हमारी कंप्लीटली जीरो फॉर्म में बन चुकी है. इसे बोलते हैं रो इशलन फॉर्म. ओके, वी कैन से इट द रिड्यूस फॉर्म. ओके, रिड्यूस फॉर्म भी कह सकते हैं हम इसे. राइट इट अगेन, इशलन फॉर्म. ओके, सो यहां से हमें क्या पता चलता है कि रैंक है हमारी नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज. कितनी गिवन है हमें नॉन जीरो रोज? 1, ये कंप्लीट रो, एंड अनदर 1 2. सो वी कैन राइट डाउन हियर 2 लिख सकते हैं हम यहां. एंड नंबर ऑफ गिवन वेक्टर्स कितने हैं? 3. आप यहां पर देख सकते हैं कितने वेक्टर्स लिए हैं हमने, 1 2 1 2 एंड 3. ओके, 3 पूरे. सो वेक्टर्स हमारे 3 हो गए. यहां से हमें क्या पता चलता है कि नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज जो कि 2 है वो लेस देन है नंबर ऑफ गिवन वेक्टर्स जो कि 3. गॉट इट? सो नाउ आई एक्सप्लेन अगेन रैंक क्या होती है. नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन रो इशलन फॉर्म, अभी हमने जिसके बारे में पढ़ा है, जो कि इक्वल होने चाहिए नंबर ऑफ नॉन जीरो कॉलम्स इन कॉलम रो, कॉलम इशलन फॉर्म. ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा. और यहां पर लेस देन आ रहा है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ये वेक्टर कैसा हो गया? लीनियरली डिपेंडेंट. क्यों? क्योंकि यहां पर जो रैंक है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए, वो लेस देन हो गई नंबर ऑफ गिवन वेक्टर के, वेक्टर्स के. ओके, सो नाउ वन मोर थिंग आपको पता होनी चाहिए. इफ
वी कैन सर्कल इट. ओके, इफ द गिवन वेक्टर वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट देन एनी वन ऑफ वेक्टर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज लीनियरली लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर वेक्टर. ये है क्या? अगर हमारे पास कोई वेक्टर है, गिवन वेक्टर, अगर वो लीनियरली डिपेंडेंट है, अगर वो लीनियरली डिपेंडेंट है, तब वन वेक्टर, किसी भी वेक्टर को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं लीनियरली कॉम्बिनेशन किसका, अदर वेक्टर के साथ. गॉट इट? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा. एक एग्जांपल और ले लेते हैं. कंसीडर द वेक्टर वेक्टर्स x1 है, सपोज किया हमने 1, 3, -2. x2 है 2, -1, 4. x3 है 1, -11, 14. ओके, सो फ्रॉम रो इशलन फॉर्म, जो भी हमने रो इशलन फॉर्म बनाई थी, कहां पर है वो? इट इज हियर. ये रही, इसे k की वैल्यू के साथ लिख देंगे. क्या लिख सकते हैं हम इसे? सेकेंड को ले लेते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल -7k2 + 8k3, इसे किसके इक्वल लिख सकते हैं? जीरो के. ओके, सो लिख देते हैं -7k2 + 8k3 = 0. सो के टू किसके इक्वल हो गया? 8k3. लेट अस सपोज करते हैं k2 जो है वो 8 है एंड k3 जो है वो 7 है. सो इससे हमें क्या मिल जाएगा? फर्स्ट इक्वेशन से, इशलन की फॉर्म से, फर्स्ट फॉर्म क्या है? k1 + 3k2 - 7 - 2k3. ओके, सो पुट कर देते हैं वैल्यू. k1 - 3 × k2. ओके, सो अगेन लिख देते हैं 3 × 8 - 2 × 7, विच गिव्स अस 0. जीरो इक्वल ही रखते हैं वैसे भी हम. तो यहां से k1 की वैल्यू क्या होगा? ये दूसरी साइड जाएगा और हमें मिल जाएगी वैल्यू -10. ओके, लेट्स सी अगेन. k1 + 3k2 - 2k3. ओके, k1 + 3k2, ये k2 है और ये k3 है. आई होप अभी तक आपको क्लियर हो रहा होगा. k1 की वैल्यू मिल गई. इस k1 की वैल्यू की हेल्प से हम कैसे लिख सकते हैं एक लीनियर कॉम्बिनेशन? देन लीनियर कॉम्बिनेशन इज क्या हो जाएगा? -10 x1 + 8 x2 + 7 x3 = 0. ओके, नाउ इफ द गिवन वेक्टर्स आर, ये पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए, सेपरेट पॉइंट है. इफ द गिवन वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट
देन एनी वन ऑफ द वेक्टर ऑफ द वेक्टर कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर वैक्टर. सो यहाँ पर लिखा क्या है वैसे, अगर हमें एक वैक्टर गिवन है, हमें कुछ वैक्टर्स गिवन है या हमने सपोज किए हैं और वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, अगर वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो कोई भी वन वैक्टर जो है वो हम नहीं एक्सप्रेस कर सकते. एक्सप्रेस कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज लीनियर कॉम्बिनेशन. लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में उन्हें एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता उस वेक्टर के अंदर. ओके, क्लियर हुआ आपको? एंड देन लास्ट पॉइंट, एवरी नॉन जीरो वेक्टर इज लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर. हर नॉन जीरो वेक्टर क्या होता है? वो होता है लीनियरली इंडिपेंडेंट. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. इफ यू लाइक दिस वीडियो देन सब्सक्राइब टू दिस चैनल, हिट द लाइक बटन एंड शेयर दिस वीडियो. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.